नमस्कार दोस्तों, मैं भी शमशान है और आप देख रहे हैं लोकल भारत। और आज का हमारा सफ़र है बिहार से राजस्थान उदयगढ़ के लिए। तो अभी समय हो रहा है 8, तो टोटली ट्रेन से अभी जाने वाले हैं। अभी जाएंगे यहाँ से जपला, जपला से सासाराम, सासाराम से जयपुर उदयगढ़ के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। हम कोशिश करेंगे कि राजस्थान का अच्छा से अच्छा जगह आप लोग को दिखाएं। चलिए हमारे साथ अभी कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। हमारे गांव में यह स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, आज ही के दिन काफ़ी ज़्यादा लाइट कर रहा है। तो चलिए हमारा गाड़ी आएगा तो ही बैठेंगे। हम लोग को छोड़ने के लिए मनु भाई आए हुए हैं। आई एम द भीष्मा सानी का बिग ब्रदर। और देखिए हमारा गाड़ी आ चुका है, अब जाएंगे इसी से जपला। हम बस में बैठ चुके हैं जो कि बनारस से आती है और जपला तरफ जाती है। तो अभी हम जपला रेलवे स्टेशन आ चुके हैं और अभी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। समय हो रहा है 10 बज गया है। तो अभी ठंडी ज़्यादा नहीं है और ये नया वाला है स्टेशन अभी जो बना हुआ है। और हमारे साथ अभी 5 लोग और हैं, 4 लोग हमको लेके, 5 लोग और। जपला से सासाराम के लिए हमारा ट्रेन मिल चुका है और अभी कजरात नवाडी के रेलवे स्टेशन पे आके खड़ी हुई है। और सासाराम से राजस्थान के लिए हमारी गाड़ी मिल चुकी है और मिलते हैं नेक्स्ट डे राजस्थान में। राजस्थान के डबोक का एक छोटा सा मार्केट दिखा रहा हूँ। देखिए धूप कितना तेज है। और डबोक जाने के लिए यहाँ पे गाड़ी का वेट कर रहे हैं। हमारी गाड़ी आ चुकी है। और डबोक में आ चुके हैं और ये देखिए चौराहा, डबोक का मेन चौराहा है। और अभी हम राजस्थान के डबोक में हैं और चलिए डबोक का मार्केट आप लोग को दिखा रहा हूँ। अभी हाईवे के बगल में जा रहे हैं और धूप सीधा आ रहा है मुंह पे। और यह छोटा ही मार्केट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देखिए दिल्ली
668 किलोमीटर, जयपुर 409 किलोमीटर और भीलवाड़ा 161 किलोमीटर। चित्तौड़गढ़ का दिखाई नहीं दे रहा है, ये डबोक का चौक है मेन। देखिए कितना मस्त है ट्रैक्टर, लोहे का बना हुआ है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया। अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। टाटा का दा, टाटा का दा, टाटा।